तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कई धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत भी की। सुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीएम धामी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन में आयोजित शिवलिंग पूजा में भाग लिया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्था द्वारा 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा का संकल्प पूरा होने पर सीएम धामी ने हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामना देते के साथ ही प्रदेश के सुख समृद्धि की भी कामना की। सीएम धामी ने कहा कि भगवान शिव और माता सुरेश्वरी देवी से उन्होंने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल वापसी की कामना की है। छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्रालय से वो लगातार संपर्क में है। सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा अनुष्ठान आदरणीय आशीष जी के द्वारा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा 1 वर्ष का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज पूर्णा अवधि के दिन यहाँ पर पहुँचा हूँ। भगवान से प्रार्थना की है, कल शिवरात्रि भी है, मैं सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी जो है सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान शिव सबके जीवन में हर प्रकार से जो है उनको सुखी रखें, निरोगी रखें, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा देश प्रदेश सब आगे बढ़े। लोगों ने भगवान से, आज भगवान से, माँ सरस्वती देवी से, भगवान महादेव से। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो सेवा साधना के 21 साल पूरे कर रहा है, इस निमित्त हम लोगों ने 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का संकल्प लिया था महाशिवरात्रि से शिवरात्रि तक का, तो पूर्णता की ओर है। 125 करोड़ के स्थान पर 1 करोड़ 60 लाख संख्या हो गई। 25 साल में 25 से ज़्यादा तो हमारे सेवा प्रकल्प हैं समाज के लिए, वो काम और अधिक पुष्ट हो जाए, समर्थ हो जाए और उन ज़रूरतमंदों के प्रति और प्रामाणिकता के साथ हम लोग दायित्व बोध का निर्वाह कर सकें, यही इसका हेतु था, लक्ष्य।